सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। कल पेट्रोलियम मंत्री का सभी तेल कंपनियों से मीटिंग है। इस पर क्या विचार करना, मुझे लगता है सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी चिंता हो रही है। बीजेपी के अध्यक्ष को पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग पर 22 मई 2018 को यह सफाई क्यों देनी पड़ी, इसे समझने के लिए आपको 4 साल पहले चलना पड़ेगा, जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रधानमंत्री इस आधार पर वोट मांग रहे थे कि उन्होंने आते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री यही सवाल उससे फिर से पूछे, क्योंकि जब वो सत्ता में आए थे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे थे। 2016 में तो ये 2013 के मुकाबले एक तिहाई से भी कम रह गया था। हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? इसी सवाल पर वही मोदी अब इधर उधर करने लगते हैं। उनकी सरकार कभी कहती है कि हमने डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर किसानों को दिया, तो कभी कहती है कि हम बफर स्टॉक तैयार कर रहे हैं, तो कभी कहती है कि राज्य सरकारें अपने टैक्स कम क्यों नहीं करती। मेरे पास हर राज्य ने कितना वैट बढ़ाया ये भी लिस्ट, बंगाल ने भी बढ़ाया। क्या मोदी सरकार ने अभी भी वो लिस्ट अपने पास रखी होगी? क्योंकि आज तो 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो जिस दिन चाहे 20 राज्यों की जनता को राहत दे सकते हैं, तो क्या वो चाहते नहीं है? नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, उनको सारा तेल पेट्रोल और डीजल हम सप्लाई करते हैं, वहां 12 रुपया सस्ता है, तो हिंदुस्तान के लोगों को मोदी जी क्यों सजा दे रहे हैं, क्यों एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करते? दरअसल राज्यों के टैक्स के नाम पर सरकारों की होशियारियों को समझने की जरूरत है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल उसके लिए वो दुधारू गाय है जिसको जितना चाहो दुहा जा सकता है। सबसे पहले पेट्रोल के दाम को समझिए। 16 अगस्त 2013 को दुनिया के बाजार में कच्चा तेल था $111 प्रति बैरल, आज है $80 प्रति बैरल, मतलब कोई 40% सस्ता। तो जब $111 का भाव था तब पेट्रोल डीलर को पड़ता था ₹52.15 और अब पड़ता है ₹37.22, मतलब ₹14.83 सस्ता मिलता है डीलर। अब होशियारी को समझिए, तब सेंट्रल टैक्स था ₹9.48, लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आए तो बढ़ाते बढ़ाते सेंट्रल टैक्स को कर दिया ₹19.48, मतलब सेंट्रल टैक्स दुगने से भी ज्यादा हो गया। इसके मुकाबले राज्यों का टैक्स था ₹12.68, ये अब हो गया ₹16.29, लेकिन सेंट्रल टैक्स के 105% के मुकाबले केवल 28% बढ़ा है स्टेट टैक्स। इस पर डीलर का कमीशन तब लगता था ₹1.79 और अब लगता है ₹3.62, इसमें भी 102% की बढ़ोतरी। नतीजा पेट्रोल $111 के कच्चे तेल के जमाने में ₹76.01 का लीटर मिल रहा था और $80 के जमाने में ₹76.61 का मिल रहा है। मतलब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो मोदी ने कहा मेरी तकदीर है, लेकिन अपनी तकदीर का फायदा उन्होंने जनता को नहीं दिया, उल्टा उस पर टैक्स थोपते चले गए। अब डीजल के खेल को भी समझिए, क्योंकि डीजल का खेती में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, माल ढुलाई में इस्तेमाल होता है, यातायात में इस्तेमाल होता है, लेकिन सरकार ने इसमें भी मुरव्वत नहीं की। 16 अगस्त 2013 को जब $111 का कच्चा तेल था तो डीलर को डीजल पड़ता था ₹41.80 और अब पड़ता है ₹40.02, इसमें तो बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन टैक्स का लोभ सरकार ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। तब सेंट्रल टैक्स था ₹3.56, लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आए तो बढ़ाते बढ़ाते टैक्स कर दिया ₹15.33, मतलब सेंट्रल टैक्स तिगुने से भी ज्यादा हो गया। इसके मुकाबले राज्यों का टैक्स था ₹6.09, ये अब हो गया है ₹9.99, लेकिन केंद्र के 331% के मुकाबले स्टेट टैक्स केवल 64% बढ़ा है। इस पर डीलर का कमीशन जो तब लगता था ₹1.09 और अब लगता है ₹2.52, 131% की बढ़ोतरी। नतीजा डीजल $111 के कच्चे तेल के जमाने में ₹52.54 का लीटर बिकता था और $80 के जमाने में ₹67.86 का बिक रहा है। बंगाल ने भी बढ़ाया, बिहार ने भी बढ़ाया, असम और मिजोरम को छोड़कर कांग्रेस के हर राज्य ने बढ़ाया। अरुण जेटली ने उस दिन संसद में राज्यों पर बेकार का दोष मढ़ा था। उन्होंने देश से ये बात छिपा ली थी कि पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा मार तो भारत सरकार ने मारी है।
और रही बात राज्यों की, तो अब तो कोई 80% हिस्से पर बीजेपी की ही हुकूमत है। पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने से रोका किसने? आज तक